Chaudhary, and today we are back with another lecture of chemical thermodynamics. Student, in previous lecture we have seen how to represent a thermochemical reactions. There are certain rules which we have to follow while writing down a thermochemical reaction. That means we always write down an enthalpy change for one mole, physical states need to be mentioned, and along with that there is also a compulsion to have a balance equation. Okay student, now we are going to see a standard enthalpy of a formation. What is standard enthalpy of a formation? So student, in your mind it should be clear, since I am talking standard enthalpy, that means I am talking about delta H naught rather than delta H. Delta H is a enthalpy change and delta H naught is a standard enthalpy change. So when we talk about standard enthalpy change, it means we are talking at a temperature, we are performing a chemical reaction at a temperature of 298 Kelvin, 1 atmospheric pressure, and for 1 mole of a substance. We are talking about 1 mole of a substance. These three conditions are to be maintained there. So student, let us see what the standard enthalpy of a formation. Whenever we talk about standard enthalpy of a formation, it is represented as delta F, which is written in a small letter, and H naught. Whenever this word you can see anywhere, this indicate standard enthalpy of a formation. Okay student, अब standard enthalpy of formation होता क्या है? Standard enthalpy of formation हम हमेशा निकालते हैं किसका? Compounds का. हम standard enthalpy of formation compounds का निकालेंगे. तो क्या होता है, जब दो element plus element आपस में react करते हैं तो वो कंपाउंड देते हैं. हमें क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है. क्योंकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे हमको स्टेट्स भी मेंशन करना होता है. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बोलता है? जब तुम कोई कंपाउंड बनाओगे और कंपाउंड जो तुम बना रहे हो वो प्योर कंपाउंड होना चाहिए. दैट मीन्स हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं फॉर अ कंपाउंड, एंड इट हैज़ टू बी अ प्योर कंपाउंड. मुझे एक मोल प्योर कंपाउंड बनाना है. क्या बनाना है बच्चों? 1 mole ऑफ अ प्योर कंपाउंड इन स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंडीशन, टेम्परेचर का, प्रेशर का और नंबर ऑफ मोल्स का. उस समय पे मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं, मेरे एलिमेंट्स भी प्योर स्टेट में होने चाहिए. और बस यही तुमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफाई करता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वाटर. डाइहाइड्रोजन मेरा H2 जो गैशियस स्टेट में है वो रिएक्ट करेगा 1/2 O2 के साथ. ओके, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके मुझे कंपाउंड देने वाले हैं, दैट इज माय H2O. और ये पूरा प्रोसेस करते वक्त तुम उसके स्टेट्स को मेंशन कर रहे हो प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट, तो ये बोलता है हमेशा यूजुअली क्या होगा, मैं इसको 2H2 यहाँ पे O2 और यहाँ पे 2H2O लिख सकती हूँ? नहीं, बोलता है मुझे 1 mole प्योर कंपाउंड बनाने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज होती है उसे लिखने को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अब यहाँ पे जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बताएगी, विच इज़ यूजुअली -283 point something इन योर किलो जूल पर मोल. ओके स्टूडेंट, सो यही है तुम्हारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. 1 mole प्योर कंपाउंड बनाना है, उसी के एलिमेंट्स में जो कि वो भी प्योर स्टेट में होने चाहिए. प्योर स्टेट के एलिमेंट्स को लेके उनका कंपाउंड बनाना है, 1 mole कंपाउंड बनाना है, और उस टाइम पे स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो करना है.
तो जब कंपाउंड बन जाएगा तो कितनी एनर्जी लगी या जो एनर्जी चेंज हुआ उसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. सो लेट अस राइट डाउन अ डेफिनेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एंथैल्पी चेंज, इज एंथैल्पी change that occur in any chemical reaction when one mole of pure compound is formed from its elements which are also in standard state. बहुत सिंपल सा तुम्हें ये डेफिनेशन दिया हुआ है. बोलता है मुझे एक मोल प्योर कंपाउंड बनाना है उसी के एलिमेंट्स को लेके, और सबके सब प्योर फॉर्म में होने चाहिए और स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मुझे दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे मेरा कार्बन, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन और ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड. तो मेरा प्योर कार्बन प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मुझे प्योर कार्बन डाइऑक्साइड देगा. ये पूरा प्रोसेस करते वक्त जो एंथैल्पी चेंज लगेगा दैट इज डेल्टा एच नॉट, और यहाँ पे हम उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज -283 किलो जूल पर मूल. इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन. सिंपल वर्ड्स में समझोगे तो इसका मतलब है दो प्योर एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड देते हैं जो भी प्योर है, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है उसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन बोलते हैं. स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, और ये न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होते हैं. थर्मोकेमिकल रिएक्शन जब हमने स्टार्ट किया था और जब हमने हीट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात की थी, तो हमने डेल्टा एच की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव सीन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और उसमें से हम माइनस कर रहे थे सबमिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इसके हेल्प से हम एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट कर रहे थे. स्टूडेंट, यहाँ पे जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इस पे थियरी में से क्वेश्चन पूछने की बजाय आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो लेट अस सी दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल. क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाएगा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन. ये तुमको कैलकुलेट करने बोल रहा है, दैट मीन्स ही इज टेलिंग यू टू कैलकुलेट डेल्टा एफ एच नॉट. डेल्टा एफ एच नॉट कैलकुलेट करने बोल रहा है, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने बोल रहा है. तो ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे मुझे पूरा एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है. केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से है, 2 moles ऑफ C2H6 रिएक्ट्स विद 7 moles ऑफ O2 टू गिव 4 moles ऑफ CO2 एंड 6 moles ऑफ H2O. इस पूरे रिएक्शन का वो हमसे पूछ रहा है डेल्टा एफ एच नॉट क्या है, फाइंड आउट करने बोल रहा है. तो उसने ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें दी हुई है जिसकी हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो. पहला दिया है डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 1 mole कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज लग रहा है दैट इज -393.5 किलो जूल. दूसरा दिया हुआ है फॉर एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन फॉर वाटर.
वाटर के लिए दिया हुआ है -285 किलो जूल और थर्ड तुमको दिया हुआ है C2H6 के लिए, ये वैल्यूज दी हुई है। और तुमको डेल्टा FH0 निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन निकालना है। स्टूडेंट तुम क्या करोगे, तुमने जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का या थर्मोकेमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर था वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था, सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ रिएक्टेंट, हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन जो है बच्चों वो कैलकुलेट करेंगे। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लो सो दैट यू आर क्लियर कि हम ये फॉर्मूला कहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सबमिशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट, हम पूरे प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे सबमिशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट, किसको माइनस करेंगे, रिएक्टेंट को माइनस करेंगे। अब हमें ये फॉर्मूला आया है बच्चों, मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है और 6 मोल्स ऑफ H2O है, मुझे वो सारी चीज़ों को भी देखना है, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी अटेंशन पे करना है। सो व्हाट वी विल डू इज सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मुझे डेल्टा एच नॉट किसके लिए निकालना है, 4, क्योंकि 4 कार्बन डाइऑक्साइड है, आई विल राइट डाउन 4 into डेल्टा एफ एच नॉट। डेल्टा एफ एच नॉट के ही फॉर्म में तुमको दिया था क्या, तुम्हारा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और साथ में तुम ऐड कर दो प्लस 6 into डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ, यहाँ पे तुम्हारे पास वाटर है दैट इज H2O। ये तुमने कुछ नहीं लिखा है बट इट इज़ अ सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें थी मैंने उसको ऐड कर दी और जितने नंबर्स में थे, जैसे 4 कार्बन डाइऑक्साइड था तो मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे तो मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से हमको माइनस करना है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिएक्टेंट साइड को, सबमिशन ऑफ अ रिएक्टेंट, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ इस तरह से आ जाएगा। मेरे पास रिएक्टेंट क्या है बेटा, मेरे पास जो रिएक्टेंट है 2 into डेल्टा एफ एच नॉट किसका, C2H6, वो आ गया फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज स्टूडेंट प्लस, सेकेंड थिंग इज प्लस 7 into योर सेकेंड इज 7 into डेल्टा एफ एच नॉट और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास O2, दिस इज योर O2। ओके स्टूडेंट्स, साथ साथ में बेटा यहाँ पे स्टेट मेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा O2 है वो गैसीय स्टेट में, ठीक है, ये हमने अपने पूरे इक्वेशन को लिख दिया। अब ध्यान से देखो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है डेल्टा एफ एच नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो मैं देखती हूँ मेरे पास गिवन में कितनी वैल्यूज हैं। स्टूडेंट अब गिवन में तुम्हें इक्वेशन के ऊपर खास ध्यान देना है, उसके स्टेट पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी वैल्यू दी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर फाइंड आउट कर सकती हूँ। वाटर दिया हुआ है, वाटर की जो भी वैल्यू है मैं उसको वहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है C2H6, उसकी जो भी वैल्यू है मैं वो सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। गैस की वैल्यू नहीं दी हुई है ऑक्सीजन की, स्टूडेंट अगर ऑक्सीजन की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है तो आपको वो वैल्यू यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, बट अगर वो वैल्यू आपको नहीं दी गई है तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम स्टूडेंट उन पूरे के पूरे टर्म में आप 0 सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। यही सेम चीज़ होता अगर यहीं पे कोई स्टेट सॉलिड में होता, तो अगर सॉलिड में है और उसकी वैल्यू तुमको नहीं बताई गई है तो यू विल पुट एट एज अ 0। हम आगे जाके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वी विल सी मोर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। अब तुम्हारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, अब तुम क्या करोगे इन वैल्यूज की जगह पे,
फोर एन टू। अब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू दी हुई है -393.5 किलो जूल पर मोल। यूनिट्स को साथ साथ में कैरी करते रहो स्टूडेंट्स, प्लस साथ में हम उसके अंदर ऐड करेंगे 6 इंटू वॉट इज वैल्यू ऑफ H2O -285.8 किलो जूल पर मोल। ओके, ये आ गया मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे। अब इस रिएक्टेंट साइड में से मैं माइनस करूंगी मेरा प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में है 2 इंटू वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस C2H6। तो C2H6 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज -84.9 किलो जूल पर मोल। और इसमें मेरे पास दिया हुआ है 7 O2 की वैल्यू। O2 की वैल्यू नहीं दी हुई है इसलिए हम उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे एज 0। तो हियर द होल टर्म विल बिकम 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी 1574 किलो जूल। और इसमें से मुझे जो है माइनस करना है स्टूडेंट, मेरी जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज ये वाली वैल्यू। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ आई विल गेट 1714.8 किलो जूल, समथिंग लाइक दिस। एंड लेटर ऑन स्टूडेंट मेरे पास ये जो वैल्यू है, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, ये पूरा टर्म जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ पे इसको प्लस किया, सो आई एम गोइंग टू गेट 2 × 84 इज नथिंग बट 169.8, दिस इज किलो जूल। यहाँ पे आपको ये वैल्यू आ गई। अब जब आप इसको पूरी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट -3119 किलो जूल पर मोल। और ये आपको मिल गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टूडेंट ऐसा न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में फॉर 2 मार्क्स एंड इट इज़ वेरी सिंपल व्हेन वी लुक एट द गिवन, व्हेन वी फॉलो एज इट इज़ गिवन। आपको 2-3 वैल्यूज दी हुई थी, चौथी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो है वो आपको समझना है, अगर ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं दी हुई है यू आर गोइंग टू पुट इट एज 0 एंड इफ इट इज मेंशन यू हैव टू यूज दैट वैल्यू। सेम थिंग गोज फॉर सॉलिड, इफ सॉलिड स्टेट में कुछ है और उसकी वैल्यू आपको मेंशन की हुई है यू हैव टू टेक दैट वैल्यू। इफ दैट वैल्यू इज नॉट मेंशन देन यू आर गोइंग टू सी अनदर, देन यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एज 0। नाउ स्टूडेंट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वी आर गोइंग टू सी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन व्हिच इज अगेन अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड दिस इज लास्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी व्हिच वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी को समझा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता क्या है, फिर उसमें हमने फॉर्मेशन की बात करी, अब हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को लिखोगे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा डेल्टा H नॉट, डेल्टा H नॉट रिप्रेजेंट एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और यहाँ पे जब C आ गया तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन। द डेफिनेशन इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज The standard enthalpy of combustion is enthalpy change that occur in which the enthalpy change that occur in which 1 mole of substance in its standard state
reacts completely with oxygen or get oxidized is called as standard enthalpy of combustion. कोई भी एक मोल सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करके वो बर्न हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन. स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हारा सब्सटेंस एक मोल होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं. ऑक्सीजन मे वेरी, ऑक्सीजन कभी हाफ ऑक्सीजन भी लग सकता है, कभी ऑक्सीजन के 3-4 मोल्स भी लग सकते हैं. तो ऑक्सीजन तुम्हारा कम ज़्यादा हो सकता है, बट तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा सब्सटेंस है, जैसे कि अगर मैं कार्बन के साथ रिएक्शन कर रही हूँ तो मेरा कार्बन हमेशा 1 मोल होना चाहिए और वो सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो करेगा. तो लेट अस सी हाउ वी कैन राइट डाउन CO प्लस 1/2 O2. ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था और ये हाफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड था जो कि गैशियस स्टेट में था और वो हाफ मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये रिएक्ट करके मुझे दे रहा है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है दैट इज ऑफ 283 किलो जूल, और इसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं. कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं. लाइक इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ C2H2, ओके. तो C2H2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा और उसके साथ साथ हमें मिल जाएगा वाटर, दैट इज माय H2O. तो ये पूरा रिएक्शन करते वक्त आई हैव टू मेक श्योर दैट माय C2H2 इज ऑफ 1 मोल, बट माय ऑक्सीजन विल वेरी. तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इट हैज़ टू बी 5/2. तो मेरे पास यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा और यहाँ पे जो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ये है. ये पूरा रिएक्शन करते वक्त जो एंथैल्पी चेंज हुआ है वो है -300 किलो जूल एनर्जी का, -1300 किलो जूल एनर्जी का. मतलब बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है एनवायरनमेंट में और उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं. एक मोल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या ऑक्सीडाइज हो जाए या कम्प्लीटली बर्न हो जाए तो उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं. जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, दैट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है लार्ज क्वान्टिटी में, जैसे कि जब मीथेन बर्न होता है तो बहुत सारी एनर्जी हमको मिलती है, इथेन बर्न हो रहा है तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, इसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखा है और उसी के साथ साथ हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखा है और हमने एक न्यूमेरिकल देखा है दैट इज ऑन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. So students, that's all for today. In next lecture, we are going to see what is spontaneous process and what is entropy and relationship between energy and spontaneity.